उसने पहले सिसोदिया जी को डाला, संजय सिंह को डाला, उसके बाद भी लगा कि केजरीवाल जी उनको कहीं ना कहीं मात दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जब चुनाव आया तभी गिरफ्तारी भी, उससे पहले नहीं हो सकती थी। गलत। मोदी का फंडा है कि इलेक्शन से पहले सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालो और अपनी मनमानी करो। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत ही विस्फोटक है, आप भी जानते हैं क्या है, केजरीवाल। भाई केजरीवाल क्या बहुत बड़ा अपराधी है क्या भाई? भाई मुख्यमंत्री है, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कोई राह चलता, कोई चोर उचक्का नहीं होता है। और कोई ऐसा अपराध भी नहीं था कि पास्को एक्ट था भाई, बलात्कार का था कि आपने गिरफ्तार कर लिया, ये तो आर्थिक मामला है ना, जांच कीजिए फिर गिरफ्तार कीजिए। लगातार देखा जा रहा है जहां बीजेपी हल्की पड़ती है, जो भी राज्य में, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे केजरीवाल हो, बस पकड़ा जाता है और डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद कोर्ट अपना काम करती है। भाई अभी भी कोर्ट ईमानदार है ये दिखता है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सामने दिख रहा है और आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और जनता क्या जान रही है इसी पे बात करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे, केजरीवाल को ऐसे ही उठा के डाल दिए? भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है, और जो उसका मकसद है कि विपक्ष को पूरा खत्म करना, उसने पहले सिसोदिया जी को डाला, संजय सिंह को डाला, उसके बाद भी लगा कि केजरीवाल जी उनको कहीं ना कहीं मात दे रहे हैं। ठीक है, दो राज्य में बहुत बड़ी बात है, मात दे रहे हैं, पंजाब में है और दिल्ली में है, उनको लगता है मात दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये हथकंडा अपना के मुख्यमंत्री को भी अंदर करो, उनके जो सांसद जो विरोध कर रहे हैं उस बात का, जो साक्ष्य रख रहे हैं, उनको भी आप अंदर कर रहे हैं। मतलब क्या इतना आपके, मतलब कि शासन काल, मतलब कि जो है लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची हिंदुस्तान में, और आचार संहिता चल रहा, उसके बाद भी आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कोई परमिशन नहीं, एक संवैधानिक पद पे होते हुए एक राज्य का मुख्यमंत्री है, जहाँ की आज जो आप केंद्र सरकार वहाँ चल रही है, सब कुछ वहाँ चल रहा है, और आपने किसी को ना नोटिस, ना किसी से कोई सवाल, ना जवाब, डायरेक्ट आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। आखिर सबके यहाँ से ईडी सीबीआई क्यों जा रही है? एक प्राथमिकी दर्ज करिए, उसके प्रूफ भेजिए। 9 नोटिस गया, 10 नोटिस गया, आपके नेताओं के यहाँ कितने नोटिस गए हैं? ब्रिजभूषण के पास कितने नोटिस हैं? सेंगर के पास कितने नोटिस हैं? जबकि वो तो अलग एक नियम है, उसके तहत तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए, आर्थिक मामला भी नहीं उनका। राज्य के मुख्यमंत्री के बाद ये इतना संवैधानिक पद होने के बावजूद इस तरह का गलत दुरुपयोग, मतलब आंखों में बिल्कुल धूल झोंकना, मतलब ऐसा काम बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। इस बार 2024 में इनकी सरकार नस्ता नाबूद हो जाएगी, इनका काम खत्म है। जहाँ विपक्ष नहीं रहेगा वहाँ विपक्ष का कोई मतलब वही नहीं है। आप भाई एक तरफ से सबको दफन कर दो, आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया, फ्रीज आपका होना चाहिए, आप कर रहे हैं विपक्ष का। कांग्रेस खत्म करो, कांग्रेस खत्म करो, आम आदमी पार्टी खत्म करो। अरे आप अपने आप को देखो, गृह में झाके देखो कितना करप्ट, कितना भ्रष्ट है। अरे वहाँ पे अगर वो केंद्र शासित राज्य है, अगर वहाँ पे कोई बिल पास होता है तो बिना सरकार, बिना केंद्र के बताए हुए नहीं पास होता है। आप उसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? ये युवा हैं, अभी और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं और भी लोगों से बात करूंगा। तारी हुई क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जब चुनाव आया तभी गिरफ्तारी भी, उससे पहले नहीं हो सकती थी। गलत है। आपकी सीटें उनके और कम होंगी वहाँ, देखिएगा। किसकी? बीजेपी की। हाँ जी हाँ, देख लीजिएगा, नौ नौ कितने बाल के सब सामने आएंगे। गलत चीज़ है, हर चीज़ का एक समय होता, वक्त होता है। गलत है, आप भी सोचिए। देख लीजिए, एकदम आम आदमी है इनका तो, एकदम मतलब आम जनता, ये तो बोल भी नहीं पा रहे थे। इन्होंने कहा बस मैं इतना ही बोलूँगा, और लोगों से मिलते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई क्या बोली? देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पे हमको ये कहना है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है और कोई भी उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं, तो उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? उनके परिवार को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो घोटाला मुमकिन है भाई। और मोदी है तो ईवीएम मशीनों का घोटाला और पैसों का घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, हर टाइप की हर चीज वाजिब है, क्योंकि मोदी जिंदा है। विश्व गुरु क्यों है? जब सबके दिल पर राज करें तब आप विश्व गुरु हैं। केजरीवाल का मुद्दा है आपके पास? हाँ। केजरीवाल के मुद्दे पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो आ रहे हैं, इनकी पैरवी करेंगे और ये छूटेंगे। और मोदी का फंडा है कि इलेक्शन से पहले सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालो और अपनी मनमानी करो, ये मंसूबे हैं मोदी जी के। एक साफ बात, ये चलाइएगा जरूर चैनल पे। बिल्कुल जरूर, मोदी जी का ये फंडा है। काम चलाएंगे,
और सपा के नेता आजम खान वो सीतापुर जेल में सड़ रहे हैं। सारे नेता सड़ रहे ना, अगर उनकी सरकार आए तो मोदी नहीं सड़ेंगे जेल में। जब मेरे पास कुर्सी होगी मैं सड़ाऊंगी इनको। भाई आज पावर आपके पास, कल मेरे पास। सुनो, कभी नाव नदी पे और कभी नाव नदी पे नाव, कभी नाव नदी में। ठीक है, क्या बोले, चलिए और लोग कुछ युवा है इनसे बात करते हैं, क्या बोलेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी? मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप अगर बीजेपी के सामने सुबह अगर बोलो तो सुबह ही 10 मिनट में तुम्हें जेल में डलवा दूं। बोलो, सही बात, इट इज माय प्रॉमिस। सही बात है। तो मतलब ये है, बीजेपी चाहे तो सब कर दे, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता कोई। तो इसका मतलब ये है कि शांत रहो, जो चल रहा है अपना लाभ देखो, अपने बच्चे पालो, क्या चल रहा क्या चाहिए चल रहा उसको मतलब छोड़ दो। बहुत बुरा हाल, समाज सेवा में आओगे तो जेल जाओगे, जेल जाओगे। सही और गलत का जहाँ फैसला करने लगोगे जेल जाओगे आप, ठीक है ना। अभी माफिया, डकैत, भ्रष्टाचारी, ये सब मैं अभी बताने लगूँ तो मैं भी चला जाऊँगा सुबह जेल। सही बात, तो मेरा, मैंने तो कान में अपना उंगली डाल लिया, मुझे क्या लेना देना यार। मैं जो हो रहा है उसको हो रहा है, बस वही है, हमें उससे कोई लेना देना। बुरा हाल है, देख लिए एकदम, ये देख आप देख रहे हो, एकदम आम इंसान है। मैं साइलेंट हूं भाई। नहीं नहीं, मैं भी हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं। आप साइलेंट नहीं रहेंगे आप सुबह जेल चले जाएंगे। हां हां बिल्कुल सही, ये कोई राजनीतिक, ये राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूं। नहीं नहीं सही, एक आम इंसान का दर्द है ये आम इंसान, ये ना बीएसपी का नेता है ना कांग्रेस का नेता है। सही, अगर सुबह आप सत्य और असत्य में चीजें बोलने लगेंगे ना तो सुबह आप जेल चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये प्रधानमंत्री हैं वो, तो वो भी मुख्यमंत्री, केजरीवाल भी मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी की काहे नहीं गिरफ्तारी हो रही है? जरा इस पर जवाब देंगे आप? लोग कहते हैं ईमानदार है, लोग ईमानदार कौन सा ईमानदार, कहाँ का ईमानदार, कैसा ईमानदार, कौन ईमानदार? ईमानदार की परिभाषा होती है इस देश में। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही हुई गलत हुई? देखिए इस देश में अभी तमाम गिरफ्तारियां होंगी। नरेंद्र मोदी का जो पेट है वो समुद्र है, इस समुद्र में जो घुस जाएगा उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो नहीं घुसेगा उसका भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो चोरों का देश, इस यहाँ देखिए कबीर की वाणी, इस समय कबीर की वाणी याद आनी चाहिए लोगों को। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपनों, अपनों से बुरा न कोई। देख लीजिए इनका कहना है। ये बताइए केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या बोलेंगे? सीधा काम है कि मोदी जी पंजाब हरियाणा और दिल्ली की 10 सीटें, जो पंजाब हरियाणा दिल्ली की 30 सीटें हैं उस पर मोदी नेस्तनाबूद हो रहे हैं, उनकी पार्टी नेस्तनाबूद हो रही है। उन्होंने अपने ही मित्र का, जिसकी कुर्सी पे बैठ करके घूमे थे, चुनाव प्रचार किया था, उसके पीठ पर खंजर भोंक करके उसका ऑपरेशन कर दिया हरियाणा में, फिर भी उनको 10 सीटों में से एक भी सीट नसीब नहीं हो रही है और दिल्ली में भी सीट नहीं नसीब हो रही। इसलिए केजरीवाल इस समय नरेंद्र मोदी की छाती पर धान बो रहे हैं, उनकी 30 सीटें चुरा रहे, इससे फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। और शायद नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद वो 30 सीटों में से हम 25 सीटें जीत जाए, तो ये उनकी गलत फहमी है और कुछ नहीं है। गलत हुआ है जो हुआ आपके अनुसार? सीधा पॉलिटिकल स्टंट है, मोदी जी को इस राजनीति की एकदम पराकाष्ठा के धरातल पे जा करके, एक कहते ना कि गटर से गैस पैदा करने वाली राजनीति पे काम नहीं करना चाहिए। उनको एक राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्ति के संबंधों में मर्यादा रखनी चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ, सत्ता बदलेगी, अगर मोदी जी को कोई जेल में डाल दे तो क्या होगा? और एक बात और बता दूं, तमाम सरकारें रही, राम मंदिर से लेकर के तमाम आंदोलन हुए, बीजेपी के तमाम नेताओं पर इतने भ्रष्टाचार बलात्कार के आरोप लगे, अडवाणी से लेकर के अटल तक इतने बड़े बड़े अत्याचार के आरोप लगे, बड़े बड़े संगीन केस लगे, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इन लोगों को राजनीति को नेस्तना, मतलब इनकी सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया, नहीं तो जानवर की तरह से कालर खींच करके जेल में लाती और औकात दिखा देती, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही। शायद मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, सवाल है, सत्ता में बैठे हो, विपक्षियों को नेस्तनाबूद तो कर लोगे, लेकिन जब तुम बीमार होगे तो बीमारियों को कैसे नेस्तनाबूद करोगे? उसका तो हवाला उम्र के चौथे सपान पे तो देना पड़ेगा, इसको क्या करोगे? सही बात। अरे भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये तो हो गई है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो ये क्या क्या करते हैं।
कभी भी एक चीज हमको बताइए, जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उसकी पावर खत्म हो जाती है। नहीं, मोदी हैं तो मुमकिन है। हाँ, जब चुनाव केजरीवाल को अरेस्ट करना था इनको, तो चुनाव आयोग का काम था ना, चुनाव आयोग परमिशन देता है ईडी सीबीआई को, ईडी सीबीआई अरेस्ट करता। लेकिन आज तक मैंने कोई पेपर नहीं देखा कि हाँ ये चुनाव आयोग का इसमें कोई हस्तक्षेप हो कि हाँ आप जाइए अरेस्ट करिए। तो जब राजा सब अंधेर नगरी चौपट राजा हैं तो चाहे सत्ता हो ना हो तब भी उनका जो है आतंक चलता ही रहता है। इसके पहले भी दुनिया में आतंक हुए हैं, सत्ता में हो या ना हो, तो अब तो सत्ता में भी नहीं है। आचार संहिता लग जाने का मतलब हो गया कि राजा का कार्यभार खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उनकी छड़ी है वो चला रहे हैं। लेकिन इससे जनता क्या सोचती है? इससे जनता ये सोचती है कि अभी कुछ नहीं सोच रही है, अगर ये 24 में आव बाव करके बेईमानी करके ये कुर्सी बैठ गए तो इनके लिए 25-26 जो है बहुत कमाल का दिन होगा। ये सभी का कहना रहा, आपने सुन लिया सीधे तौर पे लोगों ने क्या कहा। वाकई कहीं ना कहीं लगता तो है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। आपके अनुसार हो सकता ना हो रही हूँ, लेकिन लगता है कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, वो सही होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आप भी बताइएगा क्या गिरफ्तारी सही हुई है, नियम के तहत हुई है, क्या होनी चाहिए थी कि नहीं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।